हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आई एम योर हैंड राइटिंग टीचर नीलम फ्रॉम द विजडम स्कूल सिरसा। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स राइटिंग। स्टूडेंट, इंग्लिश में हमने प्रीवियस वीडियो में अ टू ज तक फोनिक साउंड की है। आई होप आप सब ने राइट भी की होगी और लर्न भी की होगी, की है ना? वेरी गुड। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डू नेक्स्ट लेटर ख एंड रिवाइज अगेन अ टू ज डिक्टेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। फर्स्टली वी विल रिवाइज अ टू ह साउंड। स्पीक विद मी। अ ब ख ड ए ग ह। ह के बाद हमने नेक्स्ट जो टू साउंड की थी प्रीवियस वीडियो में ई ज। नाउ वी विल राइट अगेन ई एंड ज एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेटर के। ह के बाद नेक्स्ट साउंड हमने जो कल की थी ई। ई स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। ई स्पीक विद मी। ई ई के बाद नेक्स्ट साउंड ज। ज ई के बाद नेक्स्ट साउंड ज। ई ई ज ज। अब ज के बाद नेक्स्ट साउंड है ख। ख मेक अ स्टैंडिंग लाइन, अपर टू मिडल स्लैंट लाइन, मिडल टू लोअर लाइन स्लैंट लाइन। ख ख मेक अ स्टैंडिंग लाइन, अपर लाइन टू मिडल लाइन स्लैंटिंग लाइन, अगेन मिडल लाइन टू लोअर लाइन अ स्लैंट लाइन। ख ख दिस इज ख साउंड। ख ख स्पीक विद मी। ख ख ख ख। ओके स्टूडेंट, हमने अ टू ख तक अपनी फोनिक साउंड लर्न भी किए हैं एंड हमने इन लेटर्स को हमने राइट भी किया है। ओके, हमने लास्ट वीडियो में अ टू ज फोनिक साउंड राइट किए हैं और लर्न भी किए हैं। नाउ वी विल डू डिक्टेशन अ टू ज। आई विल स्पीक यू एंड आप मैं आपको स्पीक करूँगी और आपने राइट करना है। ओके, start write those letter which sound is a. write those letter which sound is a. very good. write those letter which sound is b. write those letter which sound is b. write those letter which sound is kh. kh write those letter which sound is d. d write those letter which sound is a.
ए राइट दो राइट दोज लेटर विच साउंड इज राइट दोज लेटर विच साउंड इज ग ग राइट दोज लेटर विच साउंड इज ह ह राइट दोज लेटर विच साउंड इज ई ई राइट दोज लेटर विच साउंड इज ज ज ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इसी वे में आपने अपना होमवर्क करना है। आपको ई और ज एक बार फिर से राइट करनी है और इनकी साउंड लर्न करनी है। और नेक्स्ट लेटर जो हमने आज राइट किया है ख, इसकी 3 लाइन्स आपने राइट करनी है। एंड अ टू जे ज आपने डिक्टेशन वर्ड राइट करनी है। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क मैथ। स्टूडेंट, मैथ में प्रीवियस वीडियो में हमने मैथ द सेम डिजिट किए थे 1 to 20 काउंटिंग, 1 to 10 काउंटिंग में किए थे ना। आई होप आप सबने अपनी नोटबुक में घर पे प्रैक्टिस की होगी। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अगेन मैथ द सेम डिजिट। हम एक बार फिर से मैथ द सेम डिजिट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से 1 to 10 डिजिट की आइडेंटिफिकेशन हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस डिजिट, ये कौन सा डिजिट है? डिजिट 1। अब इस लाइन में हमें 1 यहाँ सर्च करना है कि 1 कौन सा है, दिस 1। तो हमें 1 को 1 के साथ मैच करना है। नाउ व्हाट इज दिस डिजिट, अब ये कौन सा डिजिट है टेल मी? 5। ओके, अब इस लाइन में हम 5 देखेंगे कि कहाँ है, और 5 को हमें फिर 5 के साथ क्या करना है? मैच करना है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज दिस डिजिट, अब ये कौन सा डिजिट है? डिजिट 3। अब इस लाइन में 3 कहाँ है हम देखेंगे? दिस 1। तो हमें 3 को 3 के साथ क्या करना है? मैच करना है। नेक्स्ट टेल मी, ये कौन सा डिजिट है? 7। फिर हम इस लाइन में 7 सर्च करेंगे, 7। तो सेम डिजिट है 7 और 7, 7 को हमें 7 के साथ मैच करना है। नाउ व्हाट इज दिस डिजिट, डिजिट 6। अब इस लाइन में हम देखेंगे 6 कहाँ है, हमें 6 को 6 के साथ मैच करना है। नाउ लास्ट, ये कौन सा डिजिट है? डिजिट 4। अब इस लाइन में यहाँ 4, दिस 1, तो 4 को हमें 4 के साथ मैच करना है। स्टूडेंट, सेम इसी तरह दिस इज योर होमवर्क। 1 पेज आपने भी आज अपनी नोटबुक पे मैच द सेम डिजिट करने हैं। ओके, नाउ वी विल डू अवर नेक्स्ट वर्क हिंदी। स्टूडेंट, हिंदी में हमने अब तक आपको अ अनार से लेके आई से एनक तक स्वर की एक बार फिर से रिवीजन करवाई है, और आपको फिर से हमने बताया कि इन्हें हम कैसे राइट करते हैं। आई होप अब आप सबको अ से लेके आई तक सभी स्वर काफ़ी अच्छी तरह से राइट करने आ गए होंगे। आप इन्हें प्रॉपरली राइट करना सीख गए होंगे। नाउ इन दिस वीडियो वी विल रिवाइज अगेन
अ टू आई एंड नेक्स्ट टू स्वर ओ एंड औ. फर्स्टली वी विल रीड अ. अ से अनार, आ, आ से आम, ई, ई से इमली, ई, ई से ईख, ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ, ऊ से ऊ, री, री से ऋषि, ए, ए से एड़ी, आई, आई से ऐनक. अब आई से ऐनक के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट स्वर कौन सा होता है? ओ, ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली, ओ से ओखली. अब ओ से ओखली के बाद नेक्स्ट स्वर औ से ओरर, औ से ओरत, औ से ओरत, औ से औरत. स्पीक विद मी. औ से औरत, औ से औरत. ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आपने भी अपनी राइटिंग बुक में ओ औ, ये आपका होमवर्क है, ओ और औ आपने राइट करना है और लर्न भी करना है. ओके, बाय.